पाकिस्तान के कराची शहर में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। शहर के एक हिंदू मंदिर में देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। समाचार पत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक कराची के कोरंगी इलाके में मंदिर में तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बाद हिंदू समुदाय के लोग दहशत में हैं। घटना की सूचना मिलने पर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं और उनसे जुड़े मंदिरों पर हमले होते रहते हैं। भले ही मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ सभी धर्मों को साथ लेकर चलने के दावे करते हैं, हकीकत में हिंदुओं पर जुल्म जारी है। मौजूदा घटना के बाद पाकिस्तानी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कराची के कोरंगी इलाके में श्रीमारी माता मंदिर में बुधवार को देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई। माता का मंदिर कोरंगी थाना क्षेत्र के जे इलाके में है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मंदिर का मुआयना किया और घटना को लेकर पूछताछ भी की। इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने बताया कि बाइक पर 6 से 8 लोग आए, उन्होंने मंदिर पर हमला कर दिया। हमला किसने और क्यों किया इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। दूसरी तरफ पुलिस ने मंदिर पर हमले की घटना की पुष्टि की है। इसके साथ ही मामला दर्ज करके जांच करने का भरोसा दिया है। बताते चले कि पाकिस्तान में अक्सर हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले किए जाते रहे हैं। पाकिस्तान में किसी की भी सरकार क्यों ना हो, बयान तो सबने दिए, लेकिन हिंदुओं पर होने वाले हमले पर किसी ने रोक नहीं लगाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।